उससे मैंने पूछा कि तुमने वीज़ा कैसे लिया, सैलरी कितनी है, ओवर टाइम, खाना, सब कुछ मैंने उससे पूछा है। और वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। भाई आप में से किसी ने अगर किसी ऐसी जगह पे गाड़ी खाली करनी हो ना जिधर आपको पता नहीं है कि उधर होटल मिल जाएगा कि नहीं, तो भाई कभी भी जो है ना बगैर खाने के नहीं आना आपने। या तो सुबह नाश्ता करके आए तो या फिर साथ में लेके आए लाजमी। इधर खाना है बनना है, गाड़ी भी खाली आइंदा होना। आइंदा जब आपके पास आऊंगा ना तो मैं खाना लेके आऊंगा। मुझे पता होगा कि आपने मुझे जो है ना सारी रात खड़ा करना और दिन भी खड़ा करना, तो फिर मैं उसमें से ये खाने के पैसे काटते हैं तकरीबन 200-225 रियाल कहता था वो काटते हैं जी खाने का मंथली, और रहाइश जो है ना वो कंपनी के जिम्मे है। ठीक है, तो लेबर को जनाब ये इतनी सैलरी देते हैं और प्लस ओवर टाइम भी होता है 8 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम हो गया जी आप सबका आज के नए व्लॉग में। दोस्तों टाइम सुबह के 9 हो गए हैं और मैं जनाब पहुंच चुका हूं जी अल्फनार की साइट पे। ये जी अल्फनार की साइट, और रात को मैं इधर आ गया था तकरीबन 7 बजे। तो तकरीबन रात 7 बजे का इधर खड़ा हूँ, तो अभी रब्ता कर रहा हूँ अंदर बंदे के साथ जिसने गाड़ी खाली करवानी है। जिधर जनाब आप गाड़ी खाली करने जाए ना, दुआ करें कि आगे वाला बंदा जो है ना मसूल जिसने गाड़ी खाली करवानी हो वो बंदा ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जानबूझ के जो है ना लेट कर देते हैं। अभी सुबह से रब्ता कर रहा हूँ, 7 बजे की ये साइट खुली हुई है तो 9 हो गए हैं, अभी तक उसने मेरी गाड़ी जो है ना वो अंदर ही नहीं बुलाई। और मैं तो जनाब रात का इधर हूँ, इधर तो कुछ खाने का भी नहीं है। ये देखें ये सारा साइट वाला एरिया है, इधर क्या मुझे मिलना खाने के लिए? तो ये जनाब मैंने रात को जो है ना एक केक लिया था और एहतियाती तौर पे ये छोटा सा जो है ना मैं ले आया था जूस, यही सोचा था कि अगर गाड़ी लेट खाली होगी तो चलो गुजारा कर लेंगे। अभी जनाब वो गाड़ी जानबूझ के खाली नहीं कर रहे, पता नहीं क्या तरतीब है, कब खाली करेंगे देखते हैं। अभी भी अंदर चलाते हैं, उसके बोलेंगे आज मटन अपने हाथ से बनाएंगे एकदम दनादन। इधर खाना है बनना है, गाड़ी भी खाली। आइंदा जब आपके पास आऊंगा ना तो मैं खाना लेके आऊंगा। मुझे पता होगा कि आपने मुझे जो है ना सारी रात खड़ा करना और दिन भी खड़ा करना, तो फिर मैं अभी तो मैं कल शाम का 7 बजे का आया हूँ, अभी 10 हो गए हैं, तो अभी अभी आपने गाड़ी खाली करते हुए घंटा लगा देना, ऐसा ही है ना? एक घंटा तो लगेगा। हाँ तो सोचो मैं 7 बजे इधर पहुंचा था, मैं खाना कब खाया होगा? मैंने कल शाम 4 बजे का खाना खाया हुआ है। रुक जाओ, कल शाम 4 बजे का खाना खाया हुआ है, तो अभी 10 हो गए हैं, तो अभी दुबई से पहले होटल भी नहीं है, 2 घंटे दुबई भी जाते हुए लगेंगे, यानी 12-1 हो जाएगा मुझे। वो देखिए दंदन आते हुए लगा। जी दोस्तों अभी टाइम 12 हो गए हैं, तो जनाब अभी गाड़ी खाली हुई है, तो अभी जनाब निकल रहा हूँ इधर से। भाई आप में से किसी ने अगर किसी ऐसी जगह पे गाड़ी खाली करनी हो ना जिधर आपको पता नहीं है कि उधर होटल मिल जाएगा कि नहीं, तो भाई कभी भी जो है ना बगैर खाने के नहीं आना आपने। या तो सुबह नाश्ता करके आए तो या फिर साथ में लेके आए लाजमी, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है जैसे आज मेरे साथ हुआ है। अभी 12 हो गए हैं, कल शाम का मैं इधर आया हुआ हूँ, तो मुझे ये था, मैं पहले भी इधर 2 दफ़ा ना गाड़ी खाली की है, तो मुझे ये था कि जल्दी गाड़ी खाली कर देंगे, क्योंकि 2 दफ़ा गाड़ी जल्दी खाली हो गई थी। आज उन्होंने लेट कर दिया, और कुछ फोकलिफ्ट वाले ने भाई 2 घंटे लगा दिए हैं 24 पैलेट खाली करने में, बहुत भैन का वीर मट्ठा था। तो अभी जनाब 12 हो गए हैं, तो इधर से मुझे दुबई जाना पड़ेगा, उधर अच्छा होटल मिलेगा मुझे, रास्ते में कोई अच्छा होटल नहीं है, 2 बजे यानी पहुँचूंगा मैं। तो इसलिए भाई आप जब किसी ऐसी जगह पर गाड़ी खाली करें जिधर आपको नहीं पता, और ख़ासकर साइट पर बिल्कुल भी आपने खाने के बगैर नहीं आना, ठीक है? और अभी जनाब इधर लेबर वाले से मेरी काफ़ी आज बातचीत हुई है, उससे मैंने पूछा कि तुमने वीज़ा कैसे लिया, सैलरी कितनी है, ओवर टाइम, खाना, सब कुछ मैंने उससे पूछा है, और वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इधर बाहर खड़े थे हम और जनरेटर वगैरह चल रहे थे, मशीनें चल रही थी और शोर बहुत ज़्यादा था, तो समझ नहीं थी आने किसी बात की, तो मैंने वैसे उससे पूछ लिया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा मैं खाने का कोई बंदोबस्त कर लूँ, तो फिर जा कर ना आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उससे जो है ना मोटिवेशन मिलता रहता है, और आपके लिए जो है ना मैं कोशिश करता रहूँगा, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहूँ आपको। तो अभी चलते हैं यार, पहले खाना खा लें कुछ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। जी जनाब आज मैंने गाड़ी खाली की है जी अल्फनार कंपनी में,
उसके एक साइट पे खाली की है, तो उधर जनाब लेबर वाले से मेरी बात हुई है, वो बता रहा था जी लेबर को ये सैलरी देते हैं 1100 रियाल, ठीक है, वीज़ा जो है ना वो फ्री होता है। ये इंडिया का भाई था जिससे बात हुई है, तो इंडिया में दिल्ली में शायद बता रहा था कहीं पे कि उसकी जो है ना एजेंसी है इस कंपनी वालों की, यानी इनका ऑफिस बना हुआ है, तो उधर से ये चेक करके ना जो बंदा इनको रिक्वायर होता है तो वो उधर से भेजते हैं इधर, वीज़ा फ्री होता है इनका। और मैंने कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी एक लड़के से भी बात की थी, वो भी अल्फनार में काम कर रहा था लेबर का, तो वो बता रहा था जी रावलपिंडी में एक इनका ऑफिस है अल्फनार कंपनी का, रावलपिंडी में इनका ऑफिस है, तो उधर से उन्होंने उसने जो है ना वीज़ा लिया था तो इधर आ गया था। तो जनाब 1100 रियाल सैलरी है, ठीक है, तो उसमें से ये खाने के पैसे काटते हैं तकरीबन 225 रियाल कहता था वो काटते हैं जी खाने का मंथली, और रहाइश जो है ना वो कंपनी के ज़िम्मे है, ठीक है। तो लेबर को जनाब ये इतनी सैलरी देते हैं और प्लस ओवर टाइम भी होता है, 8 घंटे ड्यूटी का जनाब ये सैलरी है, और 3 घंटे जनाब कह रहा था तकरीबन जो है ना डेली ओवर टाइम लगवा लेते हैं 3 घंटे, और 7 रियाल जो है ना पर घंटा ये ओवर टाइम देते हैं, 7 रियाल यानी 21 रियाल बन गए डेली के वो, और बाकी हिसाब आप खुद लगा लेंगे कितने बन जाते हैं महीने के इनके। और ये बात हो रही है जनाब लेबर की, और साथ में जनाब पहाड़ों के भी नज़ारे करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। ये जनाब मैं अभी जा रहा हूँ दुबा से अलवाज की तरफ, तो रास्ते में ये पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन खूबसूरत हैं। और बता रहा था ये इधर जो ड्राइवर है ना, जो ट्रेलर ड्राइवर है या कुछ और कोई गाड़ी है डैना वगैरह बड़ा जो इनका होता है, वो ड्राइवर जो है ना तकरीबन 5 से 6 हज़ार रियाल वो भी बना लेते हैं बकौल उसके, ठीक है, क्योंकि 1800-2000 सैलरी है और प्लस ओवर टाइम है और ट्रिप भी है, ठीक है, माशाल्लाह। और ओवर टाइम और ट्रिप के साथ वो 5 से 6 हज़ार रियाल महीना कमाते हैं जो ड्राइवर हैं, और जो फोकलिफ्टर वाले हैं वो जनाब तकरीबन 2500 से 3 हज़ार रियाल कमाते हैं महीना, और जो जनाब बस चलाते हैं ना जो लेबर को लेके आते हैं रूम से और साइट से लेके जाते हैं वापस रूम में, वो भी ओवर टाइम डाल के तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रियाल वो भी बना लेते हैं। सारी चीज़ें भाई मुझे उसने बताई हैं, तो इसमें हकीकत है, यानी ये नहीं है कि ऐसे उसने बातें कर दी हैं, इतना बन जाता है वाकई में बन जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में वो रावलपिंडी में बता रहा था, वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले बंदे से पूछा था ना, वो पाकिस्तानी था, एग्जैक्ट जगह नहीं मुझे पता, अल्फनार कंपनी आप सर्च करके देख लें भाई, आपको हो सकता मिल जाए। और इंडिया में बता रहा था कि भाई दिल्ली में है, ठीक है। जो भाई जनाब इधर सऊदी अरब में भी हैं, वो भी अगर किसी के पास कोई हुनर है इसमें से, क्योंकि उनको तो हर तरह के बंदे की ज़रूरत है ना, कंस्ट्रक्शन में जो है ना इंजीनियर क्या, लेबर क्या, फोरमैन, सिक्योरिटी, हर तरह का बंदा जो है ना वो चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी माशाल्लाह कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको बंदों की जो है ना नीड रहती है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, लेबर हो जाए, ड्राइवर हो जाए, फोकलिफ्टर ऑपरेटर हो जाए, बुकलाइन ऑपरेटर, कोई भी हो, इधर कौन सा छोटा काम है। तो जो भाई सऊदी अरब में भी हैं, कोई ड्राइवर है या कोई लेबर का काम करना चाहता है, तो इनका हेड ऑफिस मेरे ख्याल में रियाज में है, तो आप विज़िट कर लें या इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं, अल्फनार कंपनी की लाजमी होगी इनकी साइट, तो उधर जनाब आप सर्च करके तो चेक कर सकते हैं, क्या पता किसी को कोई जॉब वगैरह मिल ही जाए। दोस्तों अभी टाइम रात के 9 हो गए हैं, और उमलज क्रॉस करके जनाब इस पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ हूँ खाना खाने के लिए, तो अभी जनाब खाना खाते हैं, देखते हैं। इधर से मैंने यार रमज़ान से पहले एक दिन रात को भिंडी खाई थी, काफ़ी मज़ा आया था, अभी देखते हैं इनके पास है कि नहीं, चेक करते हैं जाके। भाई भिंडी आ रहे ख़त्म हो गई जी। दोस्तों अभी खाना खा के आ गया हूँ, भिंडी तो नहीं मिली आज हमें, तो दाल से गुजारा करना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब कोई बात नहीं, जो मिले अल्हम्दुलिल्लाह। आज यार दिन में जो है ना असर के बाद थोड़ा सो लिया था, ऐसे नींद आ रही थी गाड़ी चलाते हुए, तो मैंने कहा थोड़ा सो लेते हैं, तो उसके बाद इतना यार सर दर्द करने लग गया, तो अभी जनाब चाय पी रहा हूँ, हो सकता है आराम आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।